और अब एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 5 आरोपियों ने अगवा कर एक महिला से दरिंदगी की। वारदात सागरपुर इलाके की है। पीड़ित के मुताबिक गुरुवार रात 10:30 बजे बाजार से निकलते ही 3 बदमाशों ने मेरू कैब में जबरन उसे खींच लिया और 2 घंटे तक घुमाने के बाद सुनसान जगह ले जाकर 2 और दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। शोर मचाने पर बदमाशों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे जनकपुरी इलाके में गाड़ी से फेंक कर सारे आरोपी फरार हो गए। बाद में महिला ने पश्चिम बिहार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक बड़ी वारदात राजधानी दिल्ली, एक बार फिर से शर्मसार। निश्चित तौर पर नेहा, लेकिन बड़ी बात, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस मामले की शिकायत फौरी तौर पर की गई और फौरी तौर पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए महज कुछ घंटों के अंदर 5 के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और 5 आरोपियों को न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया है। और इसके अलावा 5 की शिनाख्त कर ली गई है, महिला ने शिनाख्त कर ली है और 5 को न्यायिक हिरासत में अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तो त्वरित एक्शन जो है वो भी इसमें साथ ही साथ देखने वाली बात है। हालांकि साथ में चिंता की बात यह है कि इस तरह की वारदात जो है वो रुक नहीं रही फिलहाल। जी जी, और साथ ही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आरोपियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार तो किया गया, अब पुलिस रिमांड में है वो? नहीं, वो पुलिस रिमांड में नहीं है अब, चूंकि उनकी शिनाख्त हो चुकी है, यानी कि जो वारदात अंजाम दी गई थी अब महिला ने उनकी पहचान भी कर ली है और वो एस्टैब्लिश हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है इसकी। तो फिलहाल अब उनकी शिनाख्त हो चुकी है और अब जो है न्यायालय में सीधे चार्जशीट फाइल हो गया, आगे अब उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार, राजधानी दिल्ली में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, दिख रही है।